हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे सरकारी कर्मचारी के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ गई है। जो लोग एनपीएस के अंदर कवर है, जिनका रिटायरमेंट एनपीएस के अंदर होने वाला है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, चाहे आप ऑल सिटीजन मॉडल या फिर कॉरपोरेट एम्प्लॉई, आपने चाहे अपना इंडिविजुअल अकाउंट ओपन किया, इन सभी के लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बुरी खबर से। बुरी खबर यह है कि यहाँ पे चार्जेज के बारे में बात की गई है, और अच्छी खबर यह है कि एश्योर्ड गारंटेड रिटर्न की बात की गई। इनको पूरा अपन आगे वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले आप जान लीजिए, मैं हूँ सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे एनपीएस के लिए बनाया गया चैनल मेक लाइफ इजी इन हिंदी। फ्रेंड, स्टार्टिंग से बता दूं कि यहाँ पे गवर्नमेंट कर्मचारियों के द्वारा एनपीएस का विरोध किया जा रहा है, और इसी विरोध को देखते हुए गवर्नमेंट ने आज से 3 से 4 महीने पहले एक मॉडल बता दिया था कि यहाँ पे लगभग 2021 के स्टार्टिंग से या अप्रैल से एक जो गारंटेड एश्योर्ड रिटर्न का जो मॉडल है वो लॉन्च कर दिया जाएगा एनपीएस के अंदर ही। अब ये किस तरह से होगा या किस तर्ज पर होगा वो बता दूं कि जैसा कि आपको पता है कि एपीवाई के अंदर गारंटेड प्लान है अभी भी लॉन्च किया हुआ, तो उसी के तर्ज पे यहाँ पे ज़्यादा पेंशन के साथ में आपको एक अमाउंट बता दिया जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट, कि आप इतना अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको इतनी तक पेंशन गारंटेड मिल जाएगी। तो ये बात हुई सरकारी कर्मचारियों के लिए। और इसमें बुरी खबर वाली बात बता दूं कि यहाँ पे अभी एनपीएस के अंदर चार्जेज लग रहे हैं वो लग रहे हैं 0.01%, मतलब सिर्फ 1 पैसा 100 रुपये के ऊपर। लेकिन यहाँ पे इसी के अंदर गारंटेड प्लान अगर लॉन्च कर दिया जाता है तो आपके चार्जेज बढ़ जाएंगे लगभग 0.05% तक। लेकिन इसका आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। अगर हम देखते हैं 0.01% की दर से, तो इसके अंदर एक डिस्क्लोज है कि आपको मिनिमम हर क्वार्टर आपको 43 से लेकर 45 रुपये तक तो पे करना ही पड़ेगा। लेकिन हम जिस चार्जेज की बात करें 0.05% की, तो उस कैलकुलेशन से भी अगर आप महीने के 1000 रुपये से लेकर अगर 10,000 रुपये तक का कॉन्ट्रीब्यूशन हर महीने करते हैं तो भी आपका ये चार्जेज बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला है। ये चार्जेज उन लोगों के लिए जो बढ़ेगा जो लोग ईयरली 5 लाख रुपये से ऊपर का कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उनकी कैलकुलेशन में 0.05% है वो ज़्यादा होगा मिनिमम चार्जेज की तुलना में। तो आपको इस चीज़ की एक जो खास खबर है वो बता देता हूँ कि एनपीएस के अंदर हम जितना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं उतना ही हमें ज़्यादा फायदा, क्योंकि 500 रुपये पर मंथ कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाले को भी उतने ही चार्जेज लगते हैं जितने 5,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन मंथली करता है। तो यहाँ पे चार्जेज का सबसे बड़ा अगर आपको बेनिफिट लेना है, अगर आप यहाँ पे रिटर्न्स अच्छे कमाना चाहते हैं, तो कम से कम 3 से 5,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन आपको करना चाहिए। और इसके अंदर आगे जो मॉडल की बात है एश्योर्ड गारंटेड रिटर्न के एनपीएस के अंदर, तो एनपीएस में जैसे ही आएंगे तो आपको सबसे पहली बात होगी कि यहाँ पे नए प्लेयर्स हैं, नए पेंशन फंड है, वो प्राइवेट कंपनी के जो बेहतरीन पेंशन फंड मैनेजर हैं उनको लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह सबसे ले ली गई है, और यहाँ पे एक बार मैं आपको वीडियो कर बना के बता भी दूंगा कि नए जो पेंशन फंड मैनेजर है पीएफएम ऐड करने वाले हैं, लगभग 5 से 10 पीएफएम नए ऐड होंगे, तो उनकी भी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो उन्हीं के द्वारा ये एश्योर्ड गारंटेड रिटर्न दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट के अंदर पेंशन फंड मैनेजर है उनका कहना है कि आप जो हमें चार्जेज पे करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो चार्जेज बढ़ाए जाएंगे और उसके साथ में गारंटेड रिटर्न भी दिए जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।